हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले एसक्यूएल एलाइसिस, ठीक है, एलाइसिस देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर स्टार्ट करते। एलाइसिस का कुछ चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी देखा था, बट स्टिल यहाँ पर हम एलाइस के ऊपर थोड़ा डीप डाइव करेंगे आज और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और एलाइसिस क्या है अच्छे से देख लेंगे, ओके। तो एसक्यूएल एलाइसिस आर यूज टू गिव अ टेबल और अ कॉलम इन अ टेबल अ टेम्पररी नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो हमारा कोई कॉलम या फिर कोई टेबल किसी का नाम टेम्पररी कोई अल्टरनेटिव नाम देने का काम करता है एलाइसिस, ओके। और एलाइसिस इज द ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट क्वेरी, सिर्फ वो क्वेरी या ड्यूरेशन तक ही उसकी लिमिट रहती है एंड देन फिर वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब ज़्यादा सीमित समय तक उसका नाम हम कुछ और टेम्पररी दे नहीं पाएंगे, ओके। तो कुछ क्वेरी तक ही होगा। तो एन एलाइसिस इज क्रिएटेड विथ द ए एस कीवर्ड। ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, शायद मतलब मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये ऐसा वो वैसा, ठीक है, एस कीवर्ड यूज़ करके। तो मैंने तभी पूरा डेप्थली नहीं बताया ताकि हम एसक्यूएल एलाइसिस जब करेंगे तब अच्छे से इसको डेप्थली कवर करेंगे करके, ओके। तो ठीक है फिर, तो थियोरी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, हम डायरेक्ट MySQL वर्कबेंच में चलते हैं और डायरेक्ट हम क्वेरी टाइप करके हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ओके। सो MySQL वर्कबेंच यहाँ पर अभी तक ओपन हो रहा है, ठीक है, तो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ पासवर्ड डाल के, ओके। तो ओपन हो चुका है और हमारा जो डेटाबेस जो है, सबसे पहले उस डेटाबेस को हम ये लास्ट वाली क्वेरी जो लास्ट वीडियो की क्वेरी अभी तक पड़ी है उसे मैं हटाता हूँ और ट्यूटोरियल्स जो हमारा जो डेटाबेस है उसे हम यूज़ करेंगे, ओके। तो यूज़ हो चुकी है, आई मीन क्वेरी मैंने चला दिया तो हमें यूज़ कर रहे करके बता दे रहे, तो यूज़ यहाँ पर स्टार्ट हो जा रही है, ओके। तो मैं उस क्वेरी को हटा देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट हमारा जो कीवर्ड जो है एस कीवर्ड उसे हम ट्राई करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट, उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, सेलेक्ट यहाँ पर पूरा क्वेरी लिखने से पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि हमारे जो SQL ट्यूटोरियल जो डेटाबेस है उसके अंदर कौन सी टेबल पड़ी, एक ही टेबल है वैसे, स्टूडेंट नाम की एक ही टेबल है, उसके अंदर क्या डेटास पड़ी है, ठीक है। तो उसे हम सबसे पहले देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ एंड देन टेबल को भी हम ज़रा अच्छे से ऊपर करके फिर देख लेंगे पूरा डेटा। ये देखो आपको दिख रहा होगा पूरा डेटा जो हमारे टेबल के अंदर पड़ी है, 15 डेटा से 15 रिकॉर्ड्स है, स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और सिटी, ठीक है। तो इसे हम कैसे क्रिएट किए थे, क्या किए थे, सब कुछ मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में सारे पूरे ट्यूटोरियल में कवर करते हुए आ रहा हूँ और यही मैं रिकॉर्ड्स यूज़ करते हुए आ रहा हूँ। तो आपको जो जो हमारे ट्यूटोरियल मेरी ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे होंगे उनको ये चीज़ पता होगा अच्छे से गाइस। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ मेरा जो टेबल है, मैं यहाँ पर मेरा जो एज जो है, एज या फिर सिटी जो है, सिटी को मैं एक काम करता हूँ, सिटी कॉलम को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ओके। सिटी को मैं कुछ देर के लिए एज ए ऐसा मैं देता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट कर रहा हूँ सिटी को और एज से मैं नाम चेंज करके उसको मैं देता हूँ एज कीवर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ, ए एस या कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, MySQL वर्कबेंच में चलता है गाइस। तो ये ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और फ्रॉम कौन सी वाली टेबल, हमारी स्टूडेंट टेबल, ओके। तो मैं यहाँ पर चला दे रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो प्लेस करके कॉलम का जो ये था नाम था चेंज हो गया, कॉलम का नेम चेंज हो गया। तो यही काम करता है एस कीवर्ड, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। तो हम और भी दे सकते हैं, स्टूडेंट आईडी का भी मैं दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ स्टूडेंट आईडी करके पूरा मैं लिख देता हूँ, ओके स्टूडेंट आईडी। तो इसे हम ट्राई करेंगे, यहाँ पर मैं कॉमा दे देता हूँ यहाँ पर एज स्टूडेंट आईडी। तो हम शायद डबल एक साथ नहीं दे पाएंगे, आई मीन दो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस नहीं दे पाएंगे, ये चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा गाइस। सो अभी हमने यहाँ पर और यहाँ पर कॉमा, हाँ ये कॉमा यहाँ पर मैं वापस दे दिया था, हम तो आगे और किसी कॉलम को नहीं चेंज कर रहे थे, ओके। तो अभी प्लेस और ये देखो प्लेस और स्टूडेंट आईडी आपको दिख रहा होगा, जो नाम चेंज हो चुका है, नेम चेंज हो गया कॉलम का। सो गाइज यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था, हम टॉपिक में वापस आते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा था कि हमारा जो कॉलम का नेम है उसका मैं एस कीवर्ड यूज़ करके, एसक्यूएल एलाइसिस यूज़ करके मैं उसका कॉलम का नेम टेम्पररीली मैं चेंज कर रहा था, ओके। तो अभी आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मतलब कैसे कॉलम का कॉलम के नेम कैसे चेंज करने हैं। मैं यहाँ पर मल्टीपल कॉलम के नेम भी चेंज किया और यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखेगी, ये देखो सबसे पहले मैंने सिटी चेंज किया, स्टूडेंट आईडी चेंज किया, फिर बाद में तो जिस सीक्वेंस हम चेंज करेंगे उस सीक्वेंस में हमें रिकॉर्ड्स शो करेगा गाइस, ओके। तो मेरी जो
लिपसिंग है वो भी थोड़ी तरपतर हो गई है, ठीक है। तो कोई नहीं, ये देखो स्टूडेंट जो हमारा जो कॉलम है यहाँ पर, आई मीन स्टूडेंट जो हमारी टेबल है उसके अंदर आपको सीक्वेंस, यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पर सिटी है, बट यहाँ पर हमने थोड़ा सीक्वेंस सबसे पहले सिटी किया एंड देन स्टूडेंट आईडी किया, ओके। तो अभी आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर तो एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ गाइस, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेरी को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें स्टूडेंट आईडी में यहाँ पर डालता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि आप दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो, आई मीन यहाँ पर आपने कॉन्कैटिनेशन की मदद से, ये देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलने से पहले मैं डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ओके। फर्स्ट नेम देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मैं कॉन्कैट करता हूँ, ओके। और फिर सिंगल कॉट देना गाइस, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट दे दिया, ओके फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एक काम करता हूँ दोनों को डायरेक्ट ही मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, लास्ट नेम क्या हो रहा है, हाँ अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको डायरेक्ट ही हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, ओके। तो एज अ स्टूडेंट नेम, ठीक है स्टूडेंट नेम, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो आपको दोनों एक साथ देनी है, मतलब स्ट्रिंग के बीच में स्पेस नहीं देनी है, डबल स्ट्रिंग नहीं दे पाओगे आप, ठीक है। तो ये देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हम जो हमारे जो कॉलम है, मतलब कॉलम अगर आपकी जो कॉलम है वो स्ट्रिंग की कॉलम है, तो आपको उस दोनों को, दोनों कॉलम को आप कॉन्कैट कर सकते हो, वैसे भी स्ट्रिंग ही नहीं आप न्यूमेरिक वाले भी कर सकते हो गाइस। बट यहाँ पर मैं, ये देखो यहाँ पर जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये जो है, ये दोनों कॉलम जो है, ये दोनों नाम अलग अलग है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा हमने किया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उन दोनों कॉलम को एक साथ ज्वाइन करके एक नेम बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्कैट करके फंक्शन एक आता है, आई मीन एक फंक्शन है गाइस कॉन्कैट करके, हमारे MySQL स्पेशली MySQL में ये है, ना कि SQL सर्वर में है और ना कि आपके किसी और डेटाबेस में, ठीक है। ये मतलब किसी और डेटाबेस सिस्टम में कॉन्कैट, ये MySQL वर्कबेंच का सिस्टम है, ठीक है, फंक्शन है ये, उसे यूज़ करके हम दो कॉलम को ज्वाइंट कर दे रहे हैं। और फिर एस कीवर्ड से, SQL एलाइसिस से, एस कीवर्ड से हम एक और नाम देके उसे एक कॉलम में शो करवाएंगे, ओके। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, तो आपको ये चीज़ अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर गाइस। सो थोड़ा सा मैं स्पेस भी देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये देखो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर, अभी तो डायरेक्ट ही हमें शो कर रहा है, ये देखो डायरेक्ट ही यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा, तो हमने कॉमा नहीं दिया था, ओके। तो अभी आपको ये देखो, अभी आपको एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर तो वैसे भी नल वैल्यू थी, तो ये देखो लास्ट का जो 14 और 15 है नल वैल्यू है लास्ट नेम और फर्स्ट नेम में, तो वो चीज़ ऐड नहीं हुई है। तो दोनों चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों कंडीशन थ्रू रहेगी तब जाके वो दोनों का, दोनों कॉलम की कंडीशन थ्रू रहेगी तब जाके वो ऐड होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, तो मतलब कॉन्कैटिनेशन दो कॉलम को कैसे ऐड करना है, ऐड करके उसे एक न्यू नेम देके फिर उसे कैसे रिकॉर्ड में एक ही कॉलम के अंदर रिकॉर्ड में शो कैसे करना है, ये चीज़ भी आपको भी समझ में आ गया होगा, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और मैं ऐड कर लेता हूँ, एज भी डाल देता हूँ कि मतलब ऐसा एज है ये, ठीक है, और फिर एज भी दे देता हूँ और फिर सिटी भी मैं दे देता हूँ, ओके। और इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पर कॉलम भी देता हूँ कि मतलब थोड़ा सा स्पेस, ऐसा स्पेस दे देंगे ताकि मतलब कॉमा दे देंगे, ठीक है। तो आपको उसके लिए सिंगल कॉट यूज़ करके देना पड़ेगा, तो और मैं आगे यहाँ पर आगे स्क्रूल ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये देखो अभी मैं इसको हटा के स्टूडेंट डिटेल डाल देता हूँ, क्योंकि अभी तो फुल नेम नहीं है, पूरा डिटेल हम शो करवा रहे, एज भी हम शो करवा रहे, स्टूडेंट डिटेल्स, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या क्या किया आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये तो वैसे भी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये देखो पूरी क्वेरी आपको दिखेगी यहाँ पर, ये देखो, और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ, ये देखो अभी अच्छे से आपको दिखेगा, ये देखो मैंने सेलेक्ट किया स्टूडेंट आईडी पहले शो करेंगे और फिर कॉन्कैट में मैंने दे दिया, कॉन्कैट फंक्शन के अंदर फर्स्ट नेम भी दे दिया, लास्ट नेम भी दे दिया, दोनों के बीच में एक स्पेस दे दिया सिंगल कॉट यूज़ करके, और फिर यहाँ पर मैं कॉमा दे दिया और एज को भी ऐड कर लिया, फिर कॉमा दिया, फिर मैंने सिटी दे दिया, सिटी को भी ऐड कर लिया, और मैंने इसको पूरे कॉलम को एक साथ ज्वाइन करके कॉन्कैट करके हम रिकॉर्ड को शो कर रहे हैं, और उसका नाम क्या कर रहे हैं, SQL एलाइसिस यूज़ करके, AS कीवर्ड यूज़ करके हम उसको स्टूडेंट डिटेल करके उस कॉलम का नाम दे दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ें किस टेबल से हो रही है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ओके। तो अभी मैं रन करता हूँ, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी हुई है, हमने कुछ तो यहाँ पर झोल किया, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ और हम देखेंगे यहाँ पर हमने इनकरेक्ट कॉन्कैट करके इनकरेक्ट हमने कुछ तो यहाँ पर इनकरेक्शन की है,
सो हम उसे ज़रा फोकस करेंगे क्या किए हैं हमने, या फिर शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली यहाँ पर आगे ना हो, इसके लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो अभी भी यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा है, ये देखो कॉमा नहीं दिए, ये देखो हमने यहाँ पर कॉमा नहीं दिए गाइस, इसीलिए वो हो रहा था। ये देखो यहाँ पर हमने कॉमा नहीं दिया, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, बट मुझे इस बार लगा कि वो चीज़ मैंने फोकस नहीं किया, तो मुझे लगा कि इसको हमने सेकेंड लाइन पे ले लिया तो इसके लिए हो रहा होगा, बट नहीं। ये देखो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल आ चुकी है, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो कॉमा का इशू था गाइस। तो आपको जब भी आप क्वेरी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आप ये चीज़ का फोकस करना गाइस, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर देखते रहोगे। अभी मुझे पता है तो मैंने कर लिया, बट एज ए बिगिनर बहुत लोग को ऐसी प्रॉब्लम होती रहेगी, पूरा दिन लगे बैठे रहेंगे क्या एरर है क्या चीज़ है। आखिरकार फाइंड आउट में मिलता है कि एक कॉमा नहीं लगा, तो फिर पूरा क्वेरी पूरी मेहनत गई बर्बाद। ठीक है, तो अभी आपको अच्छे से समझा होगा कि मतलब क्या कॉन्कैट कैसे करना है। कॉन्कैट मतलब दो स्ट्रिंग को ऐड करना होता है, बट यहाँ पर हम एसक्यूएल क्वेरी में कॉन्कैटिनेशन ऐसा कर रहे हैं कि दो कॉलम को ऐड करके एक नया कॉलम बना रहे, दो ही नहीं हम यहाँ पर तीन कॉलम को ऐड किएगा इस। ये देखो स्टूडेंट टेबल में आपको दिख रहा होगा, सब अलग अलग दिख रहा होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज और सिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चारों को ऐड करके एक नए कॉलम में शो करा दिया डेटा। ओके, तो अभी आपको ये चीज़ भी समझा होगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ गाइस, तो होप्स होगी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। ठीक है, तो अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, और चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।